chanting loud and clear, then you will be happy. Chant the holy name, say the mantra. Chanting loud and clear. Hare Krishna. मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है एकादशी ब्लॉग। काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे कि माताजी किसी दिन आप एकादशी का जो ब्लॉग शूट कर लीजिए। वैसे तो एकादशी का ब्लॉग शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इस दिन सेवाएँ भी काफ़ी सारी रहती हैं और साधना भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी के दिन 25 माला होती है और फुल डे जो कृष्ण भक्त होते हैं अपने आप को प्रयास करते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित ही रहें हर समय भगवान का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने ठाकुर जी के किचन में अभी बनाए हैं पकौड़े, ये पत्ता गोभी के पकौड़े हैं और साथ में हरी चटनी बनाई है, क्योंकि राधिका का आज स्कूल है तो राधिका को मैंने यही लंच में भी दिया था और थोड़े से ये पा करके चली गई। Yes, I am. आज एकादशी है, सबको बोल दो। Happy एकादशी, today is एकादशी। आप क्या पा रहे हो? मैं पा रही हूँ पकोड़ा चटनी। Okay, तो अच्छा बना है? Yummy? ठीक है, आपका बैग पैक कर दिया है, ठीक है? हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। और बस राधिका ने अपना जो एकादशी वाला प्रसाद हम ले लिया है, अब राधिका जाएगी स्कूल और स्कूल की वैन काफ़ी ज़्यादा जल्दी आती है, क्योंकि 7:50 का स्कूल है लेकिन 7 बजे इसकी वैन आ जाती है, तो काफ़ी ठंडी भी हो रही है पर लेकिन कोई बात नहीं। आज सुबह देखिए कितनी फॉग रखी है ना राधिका, अच्छा भी लगता है पर ठंड बढ़ गई है यहाँ पर। राधिका कैसा लग रहा है, ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है पक्का? वैन आने वाली है ना, बाहर बहुत ठंड है और मैं यहाँ पे छोड़ने आई हूँ राधिका को वैन के लिए, और अभी घर जाके जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। राधिका अभी भगवत गीता क्लास होगी घर पे, भगवत गीता क्लास करेंगे घर पे, तब राधिका पहुँच जाएगी तब तक स्कूल, ठीक है? तो चलिए अभी प्रसाद तो बन ही गया, मॉर्निंग में अभी चटनी बनाई है और पकौड़े बना दिए हैं और देखेंगे अभी बाकी और क्या बनाना है, और पनीर बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए अभी। तो ठीक है राधिका, हरे कृष्ण कर दो सभी को, बाय बाय कर दो। हैप्पी एकादशी, एकादशी। और देखो राधिका डर रही है, बैल आ रहा है पीछे यहाँ से डर रही है, आ जाए इस साइड आ जाए। और मैं अभी एक राउंड ना पार्क का भी मार के आ रही हूँ, और चलिए मैं अभी क्लास ऑन कर देती हूँ, क्लास के बाद आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा। रोज करते रहते हो ना तो वो आसान हो जाता है, तो ये वाला जो है ना मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगी, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप कैसे बना सकते हो, वो बड़ा आसान है बनाना। और लेकिन आज मेरा जो है ना मंडे के हिसाब से सिर्फ मुझे गैलरी क्लीन करनी है और लेडर क्लीनिंग, बाकी जो क्लीनिंग एंड ऑल तो वो है ही है, वो मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ। जो डेली क्लीनिंग और जो आपके जो किचन क्लीनिंग वो सब तो आपको डेली करनी ही है, तो लेकिन आज कपड़े वॉश नहीं करने हैं, बाकी जो है बाथरूम क्लीनिंग नहीं करना है, वो बाकी कल करेंगे, ठीक है? तो वो जिस हिसाब से जो जो आता जाएगा मैं वो करती जाती हूँ, और थोड़े दिन तो आपको देखना पड़ता है। और सच बताऊँ तो ये मैंने आपके लिए बनाया है और मुझे तो याद हो चुका है कि मुझे किस दिन क्या क्या करना होता है। और बाकी ये है कि अगर जिस दिन आप नहीं कर पाते हो, है ना, जैसे आप जिस दिन नहीं कर पाते हो तो वो, या फिर कहीं आपको जाना है अर्जेंटली, तो आप उसको फिर नेक्स्ट डे पर थोड़ा कम टाइम पे कर लीजिए, पर उसे कर लीजिए, ठीक है? तो वो एडजस्ट करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है? और आज एकादशी है तो 25 राउंड्स है, मेरे अभी 5 राउंड बचे हुए हैं, तो मैं फटाफट से अभी जो है ना घर के जो सेवाएं कर लूँ, ठीक है? मुझे गैलरी क्लीन करनी है वो कर लूँ, और सीढ़ी साफ कर लेती हूँ अच्छे से, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है वो मैं 10-15 मिनट लगेगा मुझे, ये सब यहाँ पे सामान ऐसे फैल ही जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो है ना वो हटा लूँगी सब तरफ, थोड़ा थोड़ा ऐसे है, बेडरूम भी अभी ठीक नहीं किया है वो भी कर लूँगी, तो ठीक है। और मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो अभी मेरे घर की सारी सेवाएं हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, बस अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रसाद बनाऊंगी, वो बना हुआ रखा है और बस उसको मुझे पाना ही है। और थोड़ी सी उससे पहले मैं माला करूंगी, मैंने बताया था मेरी 5 राउंड्स रह रहे हैं और मैं अभी स्नान करके आई हूँ फिर से, और तब तक आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, ठाकुर जी को मैं अभी बहुत मोटी ड्रेस पहनाती हूँ आजकल, बार बार एक दिन स्किप करके फिर मैं यही वाइट वाली डाल देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना मोटी है और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं अपनी चैंटिंग कर लेती हूँ, और ये वही फीडबैक है जो आप सभी ने सेलेक्ट किए थे, और ये वाला फीडबैक किसने पसंद किया था आज मुझे आप बताना, ठीक है। तो चलिए अभी ये देखिए तुलसी महारानी का कितना सुंदर ड्रेस है ये, और ये भी पूरा वुलन का है और बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत मोटा भी है, तो ये ठंड के लिए बहुत अच्छा है। और एकादशी के दिन हमें 25 माला करनी होती है, आप सभी को पता है। तो चलिए अभी हम माला कर लेते हैं, फिर हम प्रसाद ले लेंगे, और मैं क्या क्या करूँगी आज के दिन एकादशी के दिन वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा बोल रहे कि एकादशी का व्लॉग माता जी आप शेयर किया कीजिए। और एक बात और मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो एकादशी के दिन मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ आधा घंटा पहले, क्योंकि 25 राउंड्स होते हैं, और जो बाकी दिन तो मैं फिर भी 2:50 पर उठ जाती हूँ, मतलब 3 से 10 मिनट पहले, क्योंकि 10 मिनट तो उठने में भी लग जाते हैं क्योंकि आज का सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। और दूसरी बात ये, और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मैं थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी से अपना जो स्नान आदि फिर मैं चैंटिंग करने बैठ जाऊँ। तो 20 राउंड्स मेरे अभी हो चुके हैं, और एक भी पल मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। इवन जब मैं राधिका को छोड़ने के लिए जाती हूँ वहाँ पर भी मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो वहाँ मैं खड़े होकर के एक माला कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए अभी व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे को तो अभी तिलक दोबारा से लगाना है हल्का सा, क्योंकि मेरा यहाँ से ना अभी पुछ गया है, क्योंकि मैंने स्वेटर डाला ना थोड़ा सा हट गया है यहाँ से, तो मैं दोबारा लगा लूँगी थोड़ी देर बाद। तो चलिए ठीक है, ओके। और आज ना वहाँ यहाँ पर फॉग भी थी, ठीक है। हरे कृष्णा। ऑरेंजेस लेके आए थे, तो ऑरेंजेस हम ना ठाकुर जी के यहाँ सजा देते हैं, है ना, वॉश कर लेते हैं फिर सजा देते हैं। इस तरह से 4 लगा दिए मैंने अभी, फीडबैक लिया है मैंने, कल रात को ही चेंज कर लिया था क्योंकि आज एकादशी है ना, तो आप सबने जो चूज़ किए थे ना वही वाले फीडबैक है, ये रहा येलो फीडबैक, भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट। और चलिए अभी हमारे बच्चे राउंड्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे जो राउंड्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी 10 बजने में ना अभी 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट में मुझे लगता है एक श्लोक तो हो जाएगा। तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं भगवद गीता का एक श्लोक, और आप भी पढ़ सकते हैं। और एकादशी के दिन क्या हमें हर दिन एक श्लोक जो है ना भगवद गीता का अवश्य पढ़ना चाहिए। और मैं ना अभी भागवतम का अभी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ले लूँगी ना उसके बाद फिर मैं पढ़ूँगी भागवतम। तो कपड़े आ गए हैं प्रेस के ना, इनको भी मैं अंदर लगा देती हूँ साथ के साथ ही, फिर मेरे लिए ऐसे ही पड़े ही रहेंगे। और साड़ी को हैंगर में लगा देती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े ही ना मैं प्रेस करवा लेती हूँ एक दिन छोड़ करके। और बाकी राधिका के कपड़े जो अंदर भाई के कपड़े वो अलमीरा में, और बाकी के वो 5 ड्रॉअर है उसके अंदर रख दी हैं, ताकि वो अपना इजीली उसे पता रहता है कि उसने अपनी पजामियाँ कहाँ रखी हैं, अपने जो इनर्स कहाँ रखे हैं, बाकी सब गारमेंट्स कहाँ रखे हैं, वो ऑर्गेनाइज मतलब उसके लिए आसान हो जाता है 5 ड्रॉअर्स में देखना। और बाकी जो गोपी ड्रेसेज हैं जैसे ये है, क्योंकि अभी तो ठंडी हो रही है, लेकिन ऐसा होता है कभी ऊपर में। और राधिका की गोपी ड्रेसेज तो चली जाएंगी, बस 3-4 मैंने इस तरह की बाहर रखी हैं, और इसके अंदर में पजामे डाल देती है जैसे बाहर जाती है तो, और ऊपर में जो है इनर डाल लेती है, उसके ऊपर जैकेट्स डाल लेती है, और बस बाकी इसके ऊपर के जो टॉप्स होते हैं कॉटन के वो मैंने सब पैक कर दिए हैं, सब बेड बॉक्स में जो एक छोटा ब्रीफ केस है उसमें राधिका के कपड़े रख दिए,
और स्कूल ड्रेस है उसके लिए ऊपर वाला जो 5 ड्रॉर है जो इस तरह के ऑर्गेनाइजर है, वो सिंपल ड्रॉर सबके घर में ही होते हैं, तो वो मैंने उसको दे दिए। सबसे ऊपर में मैं उसके जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं ना जो ड्रेसेस, जैसे कि अभी इसकी हाउस ड्रेस है, तो वो सबसे ऊपर वाले में सारे के सारे लगा दूँ, उसमें बेल्ट और उसका जो आई कार्ड है सब कुछ एक में ही, उसकी सॉक्स भी इवन उसी में ही, तो उसके लिए ईजी हो जाता है ढूंढना। और बाकी नीचे वाले में तो जो वो डेली में जो कपड़े पहनती है, जो भी पजामा टी शर्ट स्वेट शर्ट जैकेट्स, जो घर के स्वेटर लॉन्ग स्वेटर और कैप्स सॉक्स सबके सब नीचे वालों में डाल दिए, तो उससे बच्चों को ढूंढना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो चलिए अभी मैं सारे के सारे कपड़े रख लेती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। तो अभी बैठ करके ठीक है, हरे कृष्णा। और एकादशी के दिन ना मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मतलब प्राणायाम कर लेती हूँ थोड़ा सा, अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि और रात को इतनी तेज़ ठंड थी कि हमें ये वाली जो गर्म बोतल लेनी पड़ी रात को, तो अब इसका पानी भी निकाल के रख देंगे और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे सूखने का। और रात को पैर इतने ठंडे हो रहे थे एकदम बर्फ जैसे, और बस जब सोने के टाइम पर फिर राधिका और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ले लिया, और फिर जब पैर गर्म हो जाते फिर दोबारा से इसको रखने की बिल्कुल नीड नहीं होती है। ये जो बुक है ना इसके ऊपर में ये सेलो टेप लगानी है, इसे कवर करना है मुझे इसको अच्छे तरह से, क्योंकि इसके कॉर्नर्स जो है ना इसे फटने लग जाते हैं फिर इस तरह से, फिर इसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर हम इसे अच्छे से कर देंगे ना तो काफ़ी दिन ही चल जाएगी। और भी सारी की सारी बुक्स है, जैसे ये वाली बुक है काफ़ी पुरानी है, भक्ति रसामृत सिंधु, तो यहाँ से थोड़ी ख़राब हो रही है, इसको भी मैं आज ठीक करूँगी। तो आज मैं सारी की सारी, जब मेरा सारी साधना हो जाएगी ना, तो फिर मैं यहाँ पे ये सेलो टेप या फिर फेविकॉल की मदद से इनको अच्छे से रिपेयर कर दूँगी। और ये रजिस्टर तो मेरे को हमेशा चाहिए होते हैं, तो ये यहीं रख देते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा। और ये अलमीरा एक्चुअल में मेरा टेबल जो है अलमीरा के बिल्कुल पास में ही है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना मैं यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। ऐसे मेरे पास एक जगन्नाथ जी का मैग्नेट है, ये जगन्नाथ जी का मैग्नेट है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, अब जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स है कुछ जो मुझे रिमेम्बर रखने, तो मुझे ऐसी तरह इस तरह से मैं लगा दूँगी और मेरे सामने ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ। और टेबल अभी थोड़ा सा मेरा मैसी है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैंने ये इसलिए रख दी इस तरह से ताकि जैसे मेरा सारा काम ख़त्म हो, मतलब मेरी साधना समाप्त हो, तो मैं आज सारी की सारी बुक्स को एकदम ठीक कर दूँगी। और कुछ जो कपड़े हैं ना उसमें बटन्स निकल रहे हैं, जैसे इसी स्वेटर का मेरे बटन जो है नीचे से निकल गया, तो उसको मैं कल करूँगी, है ना। जैसे इसमें हो रखा है कुछ, जैसे कुछ ना ऐसे रो ऐसे निकल रहे हैं, तो वो मैं कट कर दूँगी, है ना। तो बाकी सारे के सारे भी मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, आज मैं वो वाला सेवा ही नहीं करूँगी क्योंकि एकादशी है, तो मैक्सिमम टाइम हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में ही लगना चाहिए। तो ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं आ गई हूँ अभी ठाकुर जी के किचन में। मॉर्निंग में मैंने चटनी और पकौड़ा बनाया था, इस तरह के पकौड़े बनाए थे मैंने, ये वाले, और ये पत्ता गोभी के बनाए थे। और राधिका के टिफ़िन में मैंने ये दे दिए हैं चटनी के साथ, चाहे तो इसको दही के साथ भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन हरी धनिया पड़ी थी तो मैंने जो है वो बना दी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल एक, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एकादशी शाही पनीर, और इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अभी इस व्लॉग में मैं दिखाऊँगी नहीं, और थोड़े दिन के बाद मैं अपलोड कर दूँगी। और इससे पहले एक बहुत अच्छी वाली एक रेसिपी और आएगी, जो कि वो भी एकादशी का पूरा व्लॉग है, वो भी आएगा। और उसके बाद तो आप सिंप्लीफाई विद अंजना गोपी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो रेसिपीज़ भी जाएंगी और अनादर जो टिप्स हैं ठाकुर जी के लिए वो भी उस पर जाएंगी। तो अभी हम जो है ना यहाँ अभी मैं शुरू कर रही हूँ रेसिपी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पुस्तक निकाल ली है, बिकमिंग योर डिवोटी, और ये लास्ट ईयर मैं मायापुर से लेकर के आई थी। और ये रही भक्ति रसामृत सिंधु, वो भी ऊपर से साइड से फटी हुई है, और ये तो बहुत पुरानी बुक है, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, और ये अभी एकदम न्यू है, तो मैंने सोचा कि इन चारों को मैं आज रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये मेरा जो एक सेवा पेंडिंग है, तो आज मैं सबके कॉर्नर्स में ना टेप लगा दूंगी, मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगी। वैसे तो ये सब सेवाएं आपने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर की होंगी, मैंने तो ये बहुत ज़्यादा की हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, और
और बहुत सारी बुक्स भी थी, तो इस तरह से मैं उनका बहुत अधिक ध्यान रखती थी। तो अब तो खैर बात ही अलग है, अब तो हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं, तो अब हमें और अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो बस, तो यहाँ पर इस तरह से मैं साइड्स में मतलब पूरा मैं इस टेप से कवर कर दूंगी, ताकि कुछ भी इसको नुकसान ना हो, एक एक कोना जो है एकदम सुरक्षित हो जाएगा इसका। और जिस तरह से मैंने ये प्रभुपाद बुक जो है कवर की है, इसी तरह से बाकी सब भी मैंने कर ली थी, बस वो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, और जितना जल्दी दिख रहा है कहीं अधिक समय लगा था इसे करने में। तो देखिए इस तरह से सब तरफ से मैंने एकदम बढ़िया से कवर कर दिया, और अब इसकी लाइफ थोड़ी और लंबी हो गई है, और कोई भी इसको पढ़। और आप सबको पता है कि कुछ ही दिन में नया साल आने वाला है, और मात्र 10 दिन ही रह गए होंगे नया साल आने में। वैसे तो गौड़िया वैष्णव के हिसाब से जो नया साल आता है वो गौर पूर्णिमा पे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब सभी नया साल जो इस प्रकार से मना रहे हैं, पर लेकिन अच्छा है, इस बहाने हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे, और नए साल पे हमें जो है रेजोल्यूशन अच्छे लेने चाहिए। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं, है ना। और आजकल आप देखते हैं नया साल किस प्रकार से मनाया जाता है, कई लोग पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और हमने तो हिज होलीनेस गोपाल छः छः महीने पहले ही रेस्टोरेंट होटल्स बुक हो जाते हैं। तो सोचिए कि कितना सारा धन जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने आध्यात्मिक गोल बनाएं, और साथ साथ में हमारी बाकी जो सेवाएं हैं, जो भी घर की सेवाएं हैं, जो भी हमारी ऑफिस जॉब की सेवाएं हैं, उसको हम बैलेंस करें। तो हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जो है बनाना चाहिए कि हम क्या करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि भक्त जो हैं वो इस प्रकार से गोल बनाते हैं कि हम 16 माला का जप सुबह कर लेंगे, हम श्रील प्रभुपाद जी की ये पुस्तक पढ़ेंगे, और इस कुछ महीनों में हम जो है भगवद गीता समाप्त कर देंगे, भागवतम पढ़ेंगे, मंदिर विजिट करेंगे, वहाँ पर लेक्चर सुनेंगे, सेवा करेंगे, और भी बहुत सारी रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिससे कि उनका जो आध्यात्मिक जीवन में उनकी प्रगति होती है। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि आप सब ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए कुछ सोचा है या नहीं सोचा है। अगर नहीं सोचा है तो आप सोच सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस व्लॉग को हम और अधिक आगे बढ़ाते हैं। और मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से रिपीट कर देती हूँ कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं हमें बड़े बड़े गोल्स तक लेकर के जाते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अभी इस व्लॉग को हम और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भागवतम का एक श्लोक पढ़ रही हूँ। चलिए अभी हम चलते हैं मार्केट। राधिका माला ले आऊं? तो चलिए अभी चलते हैं। शूज अंदर रख दिए स्कूल वाले? ठीक है, आते रखा करो स्कूल के शूज अंदर, बाहर मत छोड़ा करो। चलिए अभी हम चले, पकौड़ा मैं भूल गई। अरे पकौड़ा लेने जाऊं? यही से खा लेना, बाहर नहीं खाना, ठीक है? अरे इतने अच्छे बने हैं क्या? आप तो सो पा ही नहीं रहे थे। अच्छे हैं, चले यही पालो जल्दी जल्दी। मेरा बैग आपने ले रखा है आज? ठीक है। और राधिका और मैं जा रहे हैं अभी मार्केट। चलिए राधिका जी, चल रहे हो आप? कैसा लग रहा है आपको स्कूल से आके? अच्छा। जाना चलो, चलो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा सा सेवा भी है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और अच्छा भी है थोड़ा चलने से ना, तो हेल्थ भी अच्छा रहता है। ये क्या था?
हैं? मैं पूछ रही क्या था ये? रनिंग थी। अभी हम जा रहे हैं वॉक करते हैं। राधिका, आपको वॉक करना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा। चलो शॉर्टकट से चलते हैं। यहाँ से जाते हैं ना इधर से तो थोड़ा लंबा है, गली में से निकल के जाते हैं, वो भी अच्छा है। अच्छा मौसम है अभी। हाँ नहीं, कुत्ता है यहाँ पे। अभी ढलता सूरज है, अभी ठंड नहीं लग रही, लेकिन एक घंटे के बाद ही जो है ना इतनी ठंड हो जाएगी कि बिना कैप के आप निकल नहीं सकते। बहुत ठंड लगती है यहाँ पे, क्योंकि ओपन जैसा ऐसे खुला खुला है सब जगह पे। और बस चलते हैं। मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत देर तक वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी वॉक तो अलग ही होती है। और आज मैं बहुत टाइम के बाद में ना मॉर्निंग वॉक करने गई थी तो बहुत अच्छा लगा था। और सबसे पास में ये मार्केट है हमारे, ये रही ते अभी सामान, फिर चलेंगे। आज लंबे रास्ते जाएंगे, थोड़ा वॉक करते चलेंगे राधिका, ठीक है? शॉर्टकट से आए हैं लेकिन लॉन्ग कट से जाएंगे। चलो सामान ले लिया राधिका? आपने ले लिया अपना सामान? इधर आ जाओ थोड़ा सा, फिर रोड के बीच में। चलो तो चलिए अभी हम चलते हैं वॉक करते। टू शॉर्टकट्स। अच्छा, और वन लॉन्ग मार्क। अच्छा, और अभी यहाँ पर कर रहे हैं हम इवनिंग क्लास। और वैसे तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे श्लोक रिसाइटेशन भी होता है, तो वो 11 बजे होता है। तो चलिए अभी हम आपको और दिखा देते हैं कि हमने एकादशी पे और क्या क्या किया। वैसे तो सारा का सारा रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना रिकॉर्ड हो सका मैंने आप सभी के साथ कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ संध्या आरती। और कल आप सभी को पता होगा जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, और कल मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया था। ज़्यादा तो नहीं, 10-15 मिनट के लिए ही मैं लाइव आई थी। तो उसमें हमने किया था एकादशी स्पेशल नशे मारती एंड कीर्तन। तो चलिए आज का ये एकादशी व्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। तो आई होप आपको ये एकादशी व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसे बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगा। और बहुत छोटा व्लॉग होता है, मैक्सिमम 20 मिनट तक का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगते हैं, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग में भी समय लगता है। तो चलिए, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक दे देना, और इसे शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए। और हाँ, ठंड काफ़ी अधिक बढ़ रही है, जहाँ जहाँ पर पड़ रही है उनके लिए बोल रही हूँ। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। Oh।